Excuse me. तेरे पास लाइटर है क्या? नहीं है। अगर लाइटर नहीं है तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं, मेरे पास है। अरे कहाँ जा रही हो? अब आ ही गई हो तो थोड़ा नाच गाना हो जाए। ऐसे पार्टी छोड़ के मत जाओ, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। छोड़ो मुझे। अरे क्या भाई, थोड़ा कस के पकड़। कम ऑन डार्लिंग, थोड़ा ठुमके उमके दिखा। मैंने कहा छोड़ो। क्या कहा? छोड़ो उसे। क्या बोला रे तू? मैंने कहा छोड़ो उसे। क्या कहा? छोड़ दूं उसे? पर मेरा मूड नहीं है। क्या करेगा? मारेगा मुझे? तू क्या इसका भाई है या फिर बॉयफ्रेंड है? बोलना। मैं उसे नहीं जानता, लेकिन अगर तुम लोगों ने उसे हाथ भी लगाया तो छोड़ूंगा नहीं। जोक मारता है, शाणा बनता है। कृष्णा। शिरीषा। ओ अच्छा, तुम भी इसी गांव के हो? हाँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम करते क्या हो? मेरा हॉस्टल आ गया। मुझे उन गुंडों से बचाने के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, गुड नाइट। कृष्णा, अगर बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूं। जब तुम उन्हें इतनी बेरहमी से मार रहे थे, मुझे उन गुंडों से ज्यादा तुमसे डर लग रहा था। कृष्णा, क्या मैं तुमसे एक और बात पूछूं? पूछो ना। तुम्हें उन गुंडों को इतनी बेरहमी से मारना जरूरी था क्या? छोटे सांप को भी लकड़ी से ही मारना पड़ता है, ऐसा मेरे बाबा कहते हैं। ओह, तो तुम्हारे बाबा कौन है? दादा, मैं आज तुझे कहानी सुनाता हूं। मेरे गांव में रामाराव नाम का एक गरीब किसान रहता है। अपनी बेटी की शादी की चिंता थी उसे, तो उसने शंकर राव नाम के एक शिक्षक के साथ उसकी शादी करवाई। दहेज में अपने दामाद को 2 एकड़ जमीन भी दे दी। लेकिन शादी के बाद शंकर राव ने अपना असली रूप दिखाया। अपनी बीवी पेट से है ये भी नहीं सोचा उसने। हर रोज वो उसे मारता था और ज्यादा दहेज की मांग करता था। उसने अपने ससुर रामाराव को भी मारा। तो ये थी अब तक की कहानी। शंकर राव, मैं चाहूं तो इसी वक्त तुझे जान से मार सकता हूं,
लेकिन तेरी बीवी और होने वाले बच्चे की जिंदगी तबाह हो जाएगी, इसलिए तुझे जान से नहीं मारूंगा। बहुत सोच विचार के बाद इसका एक हल मिल गया है मुझे। अब तुझे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। इस हालत में भी तुम्हारी बीवी तुम्हारा ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तब तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी बीवी तुमसे कितना प्यार करती है और उसे तुम्हारी कितनी फिक्र है। ले जाओ इसे। इसे अस्पताल में भर्ती कर दो। अब 6 महीने के लिए ये तो कुछ कमा नहीं पाएगा। मैं ख्याल रखूंगा इसके परिवार का। ले जाओ। रुक जाओ शंकर राव, ठीक होने के बाद भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई तो हथौड़े के नीचे तेरा सर कुचला जाएगा। रामा राव जी, मुझे यकीन है कि आपका दामाद जल्दी सही रास्ते पर चलेगा। दादा गरीबों का अन्नदाता है, गांव वालों के लिए भगवान है। दादा ने नंदवरम प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें और उनके परिवार को मारने की कोशिश की गई, लेकिन एक सच्चा इंसान नेकी के रास्ते पर ही चलता है, भले ही उसकी जान चली जाए। दादा की पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से दिन ब दिन हम तो बर्बाद ही हुए जा रहे हैं। और तो और, अगर दादा नंदवरम प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमारा तो नामो निशान मिट जाएगा। इसी टेंशन की वजह से हम सब ने बॉस के साथ मिलकर दादा को खत्म कर डालने का प्लान बना लिया है। तुम तीनों में से कोई एक गद्दार है जिसने ये खबर लीक की है, ऐसा इसका कहना है। और एक बात बता दूं, ऐसे मामलों में केआर कभी भी गलत नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। जिस बंदे तक खबर पहुंचाई है वो बंदा खबर लीक करने वाले से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए केआर पहले ही उससे निपट चुका है। लेकिन अगर हमने खबर लीक करने वाले को माफ कर दिया तो वो ये गलती दोबारा कर सकता है, इसलिए माफ करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बॉस ने केआर से ये कहा है कि वो खबरी तुम में से कोई भी एक हो सकता है, या दो भी हो सकते हैं, या तीनों भी हो सकते हैं। तुम में से जो गुनहगार नहीं है बचेगा वो भी नहीं। मेरी बात सुनो के यार, अगर लोगों की नजर में दादा की पॉपुलैरिटी हद से ज्यादा बढ़ गई ना तो हमारा नंदवरम प्रोजेक्ट तो मिट्टी में ही मिल जाएगा, समझ गए? फिर तो हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा भैया। अच्छा, अगर तुमने बताया नहीं होता तो हम तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। ऐसे मुश्किल वक्त में भलाई इसी में है कि छास भी फूंक फूंक कर पी जाए, क्योंकि बॉस चाहते हैं हम सही समय का इंतजार करें। उसे कितनी बार समझाना पड़ेगा, अगर नहीं माना तो जान से जाएगा। जब हम इससे हैदराबाद में मिले थे तो इसने 30 लाख में बात पक्की की थी। अब 10 दिन के अंदर ये पलट गया और कर्नूल कोर्ट के बाहर मेरे चचेरे भाई को मार डाला। सच्चाई को तोड़ मरोड़ के बोलेगा तो काट डालूंगा। ए, आवाज नीचे करके बात कर। मेरा नाम लेने की औकात भी है क्या इसकी? दादा की इज्जत करता हूँ तभी यहाँ आया हूँ। अगर पता होता कि ये 2 कौड़ी का आदमी यहाँ बैठा है तो मैं अपने नौकरों को भी यहाँ नहीं भेजता। सुनो, इनके लिए कॉफी लेकर आओ। चीनी कितने चम्मच लोगे? 1 चम्मच।
तमीज से बात करो। रेड्डी, मेरी नजर से कोई चीज नहीं छूटती। यहां चिल्लाने से और धमकियों से कोई काम नहीं बनता। चलो मुद्दे पर आते हैं। मैंने दोनों की सुन ली है, अब जो फैसला होगा वो मैं करूंगा। तुम मेरी इज्जत करते हो इसलिए यहां आए हो, है ना? तो मेरा फैसला ये है कि तुम 30 लाख में यह सौदा पक्का कर दो, समझ गए? अब साइन ना करके मुझे बेइज्जत करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, और जो मुझे बेइज्जत करता है उसे मैं दुश्मन मानता हूं जिंदगी भर के लिए। रुक जाओ, कॉफी तैयार है। मुझे नहीं पीनी। तुम्हें पीनी पड़ेगी। जब तक तुम कॉफी पियोगे तब तक मैं कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं तुमसे। नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, मैं पीऊंगा। तुम बैकअप प्लान बनाकर आए थे क्योंकि तुम्हें डर था मैं कोंडाया की तरफदारी करूंगा। मैं जानता हूं जैसे ही वो यहां से निकलेगा तुम्हारी गैंग उसे नल्ला रोड पे मार देगी। ज्यादा चीनी अच्छी नहीं होती। जानना चाहते हो वो फोन किस बारे में था? मेरे लोगों ने तुम्हारी गैंग को 5 मिनट पहले ही खत्म कर दिया है। दादा, मुझसे गलती हो गई। मैं वाकई आपकी इज्जत करता हूं। हालात की वजह से मैं घबरा गया था। वादा करता हूं मैं कभी इसे परेशान नहीं करूंगा। चलता हूं। ठहरो, तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अभी तो तुम डर के मारे भाग रहे हो, लेकिन जल्द ही तुम्हारा यह डर बदले की आग के रूप में बदल जाएगा और तुम कोंडैया की नहीं मेरी जान लोगे। इसलिए कहता हूं कि गुस्सा सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, और तुमने वही किया, इसलिए तुम्हें मारना जरूरी है। रेड्डी भैया, जंगल में हर कोई शेर बनना चाहता है, लेकिन शेर जैसे दहाड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उम्मीद है तेरे अगले जन्म में ये बात को तू जरूर समझेगा। अगले जन्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रघु। देखो, मरते समय वो ज्यादा शोर न मचाए। मेरा पोता अंदर सो रहा है। किसी भी बॉडीगार्ड का फर्ज होता है कि वो जिंदा लोगों की रक्षा करे। जो मरा है उस पर जान देने से कोई फायदा नहीं। ना तुम रेड्डी के बेटे हो और ना भाई, सिर्फ बॉडीगार्ड हो। मैं तुम्हें उससे ज्यादा तनख्वाह दूंगा। मेरे लिए काम करो। कृष्णा, हैदराबाद में बहुत बारिश है। लक्ष्मी, क्या कर रही हो? पूजा कर रही हूँ। अरे देखो तो कौन आया है। कौन? एक बार आके देखो तो सही। कृष्णा, दिवाली के लिए घर क्यों नहीं आया? घर से दूर गया तो हमें भूल ही गया है ना? अरे उसने कहा तो था कि उसके एग्जाम्स हैं, इसके लिए स्टडी में बिजी होगा वो। सवाल मैंने अपने बेटे से पूछा है, आप बीच में मत बोलिए। अरे मैं जानता हूँ उसका जवाब क्या होगा, इसलिए मैंने बोल दिया। क्या फर्क पड़ता है? भूख आपको लगेगी, खाना इसे दूंगी। हर बार इसकी तरफदारी करना बंद कर दीजिए। बात खत्म।
लक्ष्मी तुम भी ना। बाहर आप होंगे बॉस, लेकिन इस घर की बॉस यहाँ आपके सामने खड़ी है, कोई शक? नहीं तो ओके बॉस। यहाँ क्यों खड़ा है? जा जल्दी जाके हाथ मुंह धो के आ, साथ मिलकर खाना खाएंगे। बाहर तो मैं शेर हूँ, लेकिन इसके सामने न जाने मुझे क्या हो जाता है। आप ही के लाड़ प्यार ने इन्हें बिगाड़ा है बाबा, बिल्ली शेर पर भारी पड़ रही है। क्या खुसुर पुसुर चल रही है? खुसुर पुसुर और तुम्हारी परमिशन के बिना कैसे हो सकती है बॉस? सॉरी सॉरी। हे आदि, कैसी हैं भाभी? भैया कहाँ हैं? भूषण, तुम यहां पर क्यों आए हो? ए, तू मेरे हाथ पैर तोड़ देगा अगर मैंने तेरी बहन को आंख उठा के देखा तो। यही बोला था ना, अगर यहीं तेरी आंखों के सामने मैं उसे बेइज्जत करूं तो तू क्या करेगा? मैंने आज तक अपनी माँ की डांट नहीं सुनी, तुझे क्या लगा था तुझ जैसे टुच्चे आदमी की धमकी से मैं डर जाऊंगा क्या? कहां तेरी बहन? जब इससे मेरा मन भर जाएगा तो वापस इसे यहाँ फेंक दूंगा। अगर इसके बारे में किसी से कुछ कहा तो इसकी लाश भी नहीं मिलेगी। सुन, कृष्णा आ गया हैदराबाद से, तू कब आ रहा है? मैं भी बिजी हूँ माँ, बाद में आता हूँ। मेरी थियरी कहती है कि ऐसा इंसान जिसे जो लड़की पसंद आए उसे वो उठा लेता है, उसे लड़की का लालच क्या देना। समझदार को समझाने के लिए समझदारी, लेकिन मूर्ख को समझाने के लिए दुगनी समझदारी चाहिए। ए, जो कहना है साफ साफ कहो। मैं भूषण को बोतल में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम भटकते हुए को राह दिखाए तो उसे बहुत मदद मिलेगी। गलत राह पर चलने वाले आदमी को हम अपने लिए इस्तेमाल करें तो हमें मदद मिलेगी। तो ये था आज का प्रवचन। क्या वाहियात खाना बनाया है, एक काम भी ठीक से करना नहीं जानती तू। बहुत ही बड़ी गलती कर दी मैंने तुझसे शादी करके। ए, कोई अपनी बीवी से ऐसे बात करता है? क्या हमने यही सिखाया है? तो मुझे जो ठीक लगता है वो भी मैं ना कहूं? क्या लगता क्या है तुझे, बोल क्यों रे? हम सबसे ऊपर है क्या तू? हमने भी तो यही खाया, हमें तो ये खाना वाहियात नहीं लगा। हाँ, और सुन, अगर शिकायत करनी ही है तो प्यार से कर सकते थे, बुरा भला बोल के नहीं। मुझे बस इसी तरह से बात करना आता है। दांत तोड़ दूंगा अगर नहीं सुधरा तो। लगता है अब तुझे मेरे तरीके से समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा तू। अच्छा बता, रेड्डी के सेटलमेंट के लिए तू ही गया था ना? तुझे पता था वो मामला मैं सुलझा रहा था, तू बीच में क्यों पड़ा, बोल। नहीं जानता था कि आप वो मामला संभाल रहे हैं। तो मुझे पूछ सकता था ना? मैं बच्चा नहीं हूं जो आपसे हर चीज पूछूं। मुंह फोड़ दूंगा तेरा। ये क्या? लक्ष्मी, तुझे पता होना चाहिए कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। घूर क्या रहा है? आंखें नीचे कर।
दादा, एसपी गोगिन आए हैं। गोगिन राव, बताओ गांव में अपराध बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अगर बढ़ रहे हैं तो तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, और अगर घट रहे हैं तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे हाय हेलो करने नहीं आया हूँ, मैं गुरुवार रेड्डी के कत्ल की पूछताछ करने आया हूँ। मेरे खबरी ने मुझे बताया कि उसकी मौत का जिम्मेदार तुम्हारा आदमी रघु है। मैं यहाँ इसे अरेस्ट करने आया हूँ। ये वही करता है जो मैं कहता हूँ। लेकिन इंक्वायरी में आपका नाम नहीं है। इंक्वायरी की क्या जरूरत जब मैं अपना गुनाह कबूल कर रहा हूँ? अगर हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट कर, वरना कॉफी पी और दफा हो जा। आप बेवजह ही इतना गुस्सा हो रहे हैं। गोगिन राव, मैं अपना गुस्सा बेकार लोगों पर जाया नहीं करता, मैं वक्त की कद्र करता हूँ। लगता है तुम्हारे पास बेकार वक्त ज्यादा है, और मेरा हर पल बहुत कीमती है। तुम जा सकते हो। जल्दी मिलेंगे। कभी नहीं। सर, गोगिन राव बोल रहा हूँ। हमारा प्लान फेल हो गया सर। गोगिन राव के जरिए रघु को गिरफ्तार करने का हमारा प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, हाँ, इस तरह बॉस और उनके आइडिया सुनते रहे तो एक दिन वो सबको ले डूबेगा। किसी टापू तक पहुँचने के लिए पहले समंदर में छलांग तो लगानी पड़ेगी। या तो तुम डूब जाओगे या तैरना सीख जाओगे। पर कहीं तूफान और शार्क के डर से किनारे पर ही खड़े इंतजार करते रहे तो गिद्ध तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारा प्रवचन पहली बार समझ में आया। लंबा था लेकिन समझ में आ गया। जो जल्दबाजी करेगा उसका हश्र बुरा होगा। आसमान वही छू सकता है जिसके हौसले बुलंद हों। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, सत्य वचन है। बॉस हम सबसे ज्यादा जानते हैं, एक कदम आगे की सोचते हैं। उनकी इजाजत के बिना समंदर में छलांग लगाना ये कोई हल नहीं, बेवकूफी है। लोगों को लगता है बाबा गुंडे हैं, पर यह सच नहीं है। वो सच्चे और भले लोगों का साथ देते हैं तो लोगों को वो सख्त लगते हैं, बस यही है। उनका मानना है कि सही और गलत ना भगवान तय करते हैं और ना हमारा कानून। उसका फैसला आदमी के चरित्र और उसके इरादों से होता है। जो भी हो, मेरे बाबा ऐसे ही हैं। जो उन्हें सही लगता है वही करते हैं। जो लोग उन्हें समझते नहीं, उन्हें लगता है बाबा बुरे हैं। पर इस तरह लोगों को डरा धमका कर मार कर उनको क्या मिलेगा? आग के बदले आग, इस तरह किसी भी समस्या का हल नहीं होता। दरअसल बाबा को भी यही लगता है। कहते हैं एक आंख के बदले एक आंख नहीं, एक आंख के बदले दो आंखें। मतलब? अगर दुश्मन हमारी एक आंख पर वार करे तो उसकी दोनों आंखों पर वार करो। ये गलत है। अगर एक आंख बचेगी तभी आने वाले खतरों पर नजर रख पाएंगे। दादा, वो बात ये है कि। बोलो भी, बात क्या है? कोई झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, झूठ क्यों बोलूंगा? तो जबान क्यों लड़खड़ा रही है? दादा, आप गौराजू को तो जानते हैं ना? कौन गौराजू? वही जिसने आप पर हमला किया था और आपने उसका खेल खत्म कर दिया था। हाँ, उसका क्या? दादा, मुझे पता चला है कि कृष्णा उसकी बेटी से प्यार करता है। बाबा, मैं जानता हूं कि गवराजू कैसा आदमी था। यह भी जानता हूं कि हमारी उनके खानदान से दुश्मनी है। इसके बावजूद अगर उसकी बेटी से प्यार करता हूं तो जरा सोचिए कि वो कितनी अच्छी होगी। माना कि वो अच्छी लड़की है,
पर जिस दिन से हमने उसके बाप को मारा है उसका भाई गायब है। क्या वो डरकर भाग गया है या बदला लेने की साजिश कर रहा है या हमारे दुश्मनों के साथ मिल गया है? तीनों में से कुछ भी हो सकता है। कृष्णा, रायल सीमा को खून खराबे का श्राप है। यहां पर लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, पीढ़ी दर पीढ़ी यह दुश्मनी चलती ही रहेगी। पर सिरीशा, और मुझे लगता है कि यह दुश्मनी अब खत्म करनी चाहिए। बाबा, आपको मजबूरन उसके पिताजी को मारना पड़ा ये जानकर भी वो सब भुलाने को तैयार है। सोचिए मुझसे कितना प्यार करती होगी। उसे नहीं पता उसका भाई कहाँ है, क्या कर रहा है, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है। बाबा, बाबा याद है आप ही हमेशा कहा करते थे, नफरत अक्सर लोगों में दूरियां बढ़ाती है और सिर्फ प्यार उन्हें करीब लाता है। सुनो, मैं कभी किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करता, कभी नहीं, खासकर उनकी जिन पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं तुमने ये फैसला सोच समझ कर ही लिया होगा। तुम क्रिकेट खेलते वक्त भी इसी तरह सोचते थे, या तो आउट हो जाओगे या सिक्सर मारोगे। मैं भी इसी तरह सोचता हूं। ज्यादातर लोग सिर्फ बॉल रोकते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ आउट होने का डर होता है। तुम उनमें से नहीं हो, मुझे गर्व है। मेरा शेर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाबा। पितृदेवो भवः, ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं। तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि तू तो उसके लिए एक बोझ है, तो वो भला तेरा अच्छी तरह से लालन पालन कैसे करता? तेरा भविष्य तो अब हमेशा अंधेरे में ही रहने वाला है। इसलिए एक बात कहूँ, अपने बेकार बाप के बारे में सोच कर अपना वक्त जाया मत कर। अरे, तेरे बाप के लिए तो तेरा होना या ना होना बराबर ही है। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? इंसान को तो जानवर की तरह रहना चाहिए। जब उनका मन करता है खाते हैं, जब मन करता है सो जाते हैं। इंसान तो अपने नियमों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, जिससे वो कभी निकल नहीं पाता, उसमें ही फंसा रहता है। ए वेदम, इतना घुमा फिरा के मत बोल, सीधे सीधे मुद्दे पे आ और ये बता, इस प्रोजेक्ट से मुझे क्या फायदा होगा? फायदा तब होगा जब वो राक्षस तेरे बाप का पीछा छोड़ेगा। कौन राक्षस? सुन, तेरा बाप लोगों की भलाई सोचने वाले एक राक्षस के वश में है। अब मेरे वेद पुराण तो मुझे यही कहते हैं कि पितृदेवो भव पुराना है, अब पितृ राक्षसो भव ही आज की दुनिया में सही है। इस बला से पीछा छूटा तो तेरे प्रगति के द्वार खुल जाएंगे, तू भी खुश रहेगा और तेरी जेब भी खुश रहेगी। तुमने कहा था कोई जरूरी बात है, तो अब चुप क्यों? कृष्णा, हमने वादा किया था कि हम पुरानी बातें भूल जाएंगे, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे ये बात कैसे कहूं। पर क्या? मैं अगर बताऊंगी तो तुम नाराज तो नहीं होगे? बात क्या है सिरीशा? तुम्हारा भाई लता के घर में जबरदस्ती घुस गया और उसके परिवार को बहुत मारा भी। उसे उठाकर तुम्हारे फार्म हाउस लेकर गया। सब तुम्हारे पिताजी के नाम से डरते हैं, इसलिए उसे बचाने कोई नहीं आया। ये तुम क्या कह रहे हो? भूषण ने ऐसी हरकत की? हाँ बाबा, आपने मुझसे कई बार कहा है, जो लोग हम पर भरोसा करते हैं वही हमारी ताकत और प्रतिष्ठा बनते हैं, लेकिन विश्वास से, हमारे डर से नहीं। भैया लोगों को आपका डर दिखाकर आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला रहे हैं। गजा, गाड़ी निकालो मेरी। बाबा, बाबा यहां कुछ नहीं है। बाबा कहां रहे हो आप? अंदर बाबा, यहां
बेटी, जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, हो सके तो माफ कर देना। ए, इसे सही सलामत इसके घर छोड़ाओ। ठीक है दादा। जब भी मुझे लगता है कि तू सुधर जाएगा तो और भी गिर जाता है। मुझे तेरी शक्ल से नफरत होने लगी है, घिन आती है तुझसे। बदतमीज, बकार, मैंने कितनी बार तुझे सुधरने का मौका दिया लेकिन तेरी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। अपनी माँ की वजह से जिंदा है अब तक, समझा? मुझे खुद से नफरत होती है जब सोचता हूँ तू मेरा बेटा है। अब भी वक्त है, सुधर जा। तू जैसे शैतान को बाहर की दुनिया से दूर रखने में ही भलाई है। आज से तेरा इस फार्म हाउस से बाहर जाना बंद, और यही तेरी सजा है। ए, नजर रखो। हाँ दादा। तूने ही मेरे बाप को यहां के बारे में सब कुछ बताया ना? याद रख, मैं तो अपने बाप को बहला फुसला के मना लूंगा, तेरा क्या होगा तू सोच ले। तेरे टुकड़े करके चील कौओं को न खिला दिया तो मेरा नाम बदल देना। ए, जी भाई, एक बात ध्यान से सुन लो, हम सब दादा के लिए काम करते हैं, उनके बेटे के लिए नहीं। हम सिर्फ उनका हुक्म मानेंगे और किसी का नहीं, समझ गए? हाँ भाई। भूषण की परवरिश में क्या कमी रह गई? मैंने तुम दोनों को उतने ही प्यार से बड़ा किया है, फिर वो एक दरिंदा कैसे बन गया? अगर मैं किसी की जान लेता हूं तो उसके पीछे एक वजह होती है। मैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इन चीजों को समझता हूं, फिर किसी की जान लेता हूं। पर ये लड़का ना कुछ सोचता है ना समझता है, सिर्फ अपनी मन मर्जी करता है। मुझे वो कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे उसका यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं। इसमें उसकी अकेले की गलती नहीं है बाबा, उसके दोस्त भी उसे भड़काते रहते हैं। कहते हैं तेरे बाप के बाद तू ही यहाँ का राजा बनेगा, वो उनके बहकावे में आता है। अरे वो कोई दूध पीता बच्चा है क्या लोगों की बातों में आएगा? उसके पास दिमाग नहीं है? तू एक बात बता, एक बात उसकी समझ में क्यों नहीं आती? उसका बाप जो भी कर रहा है वो सब उसकी भलाई के लिए कर रहा है। उसमें इतनी बुराई भर गई है कि उसे अब अच्छाई दिखाई ही नहीं देती बाबा। हमें किसी भी तरह उसे सुधारना होगा। हाथ से निकल चुका है वो। सच बताओ मुझे, क्या वो वाकई एक अच्छा इंसान बन सकता है? बताओ, बोलो कृष्णा। भले हम में खून का रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन मैं गलत चीजों को बढ़ावा नहीं दे सकता। बेटा सही रास्ते पर चले, यही मां बाप की इच्छा होती है। अब इस तरह रोने से क्या होने वाला है? जब मेरी शादी हुई थी मैं तभी समझ गई थी वो किस तरह के इंसान है। मैंने पूरी कोशिश की एडजस्ट करने की। आप लोगों को मैं अपने माँ बाबा जैसा समझती हूँ। कृष्णा मेरे बड़े भाई जैसा है, उन्हें मेरे बच्चे से लगाव है, मेरे लिए यही काफी है। सर, मैं समझ गया सर, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। ये मौका बहुत अच्छा है। लक्ष्मी, अब क्या हो गया? लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, आ रही हूँ ना। हाँ, क्या हुआ? तुमसे बात करना चाहता है। इतना शर्मा क्यों रहा है? वो मैं शादी की खबर देने आया हूँ। क्या, तू फिर से शादी कर रहा है? अरे नहीं भाभी, मैं नहीं, मेरी बेटी की शादी है। शादी बेटी की है और शर्मा तू रहा है? हमेशा लड़ाई झगड़े की खबर लाता हूँ ना, खुशखबरी कैसे दी जाती है पता नहीं। देखिए ना इसके चेहरे पे ये मुस्कुराहट कितनी अच्छी लग रही है ना, ऐसे लग रहा है जैसे कीचड़ में कमल खिलाओ। अब बता शादी कब है? 6 तारीख को, अगले महीने। आप दोनों आएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे बंदूक और गोली की जोड़ी शादी में आई है। अरे यार, मिसाल भी हथियारों की देता है, और कुछ सोचता नहीं है क्या? उसके शब्दों को नहीं, भावनाओं को समझो। एक शिष्य की भाषा तो गुरु ही समझ सकता है, हम तो गवार हैं। हम आएंगे बंदूक और गोली की तरह, तुम्हारी चाकू जैसी बेटी की
एक भाले जैसे पति के साथ शादी करवाएंगे ताकि तुम उसे खुशी खुशी अपने घर से विदा करो, क्यों? कृष्णा, मुझे तुमसे मिले अभी कुछ ही महीने हुए, फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें कई जन्मों से जानती हूँ। तुम भले ही मुझसे ज्यादा बात ना करो, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की हर बात सुन लेती हूँ। जब तुम साथ होते हो तो मैं सारी दुनिया को भूल जाती हूँ, जब तुम पास नहीं होते तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, मेरे लिए तुम मेरे सब कुछ हो। मेरे लिए भी। सच्ची? आपके 60वें जन्मदिन की तैयारियों में कृष्णा कब से लगा हुआ है? तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी के सबसे पहले गेस्ट से मिलना है। मेरा प्यार है ये, क्योंकि एक ही है। हाँ, सिर्फ एक। एक से एक मिलाओ तो दो हो जाते हैं, और अगर एक में से एक निकालो तो शून्य, और एक गुणा एक एक ही होता है। ये रायल सीमा का गणित है। मतलब? मैं गुणा मेरे दुश्मन, मतलब एक। आप और आपका अजीब सा हिसाब, मुझे सीधा सा जवाब दीजिए। ये कितनी है? पांच। अगर इन उंगलियों को साथ मिला लूं तो क्या होगा? बंद मुट्ठी। तो क्या आप मानते हैं एक परिवार को इस बंद मुट्ठी की तरह हमेशा एक रहना चाहिए? पर इस वक्त भूषण हमारी खुशियों का हिस्सा नहीं है। तुम जो भी कहना चाहती हो साफ साफ बोलो। ये आप हैं, ये मैं, ये बहू और ये कृष्णा 60वां जन्मदिन भूषण के बिना मनाएंगे? मान जाइए। क्या है ये सब? मां, सच बोल रहा हूं, मेरी गलती नहीं है। बाबा ने सबके सामने। ए, वो मेरे पति है, तुम्हारे बाबा बाद में, उन्हें तुझसे ज्यादा जानती हूं, उनके बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। पर मां। चुप, एक ही बात बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं, तुझे इस हाल में नहीं देख सकती, जो हुआ भूल जा। अच्छा लगेगा अगर तू घर चलेगा। तेरी सारी गलत हरकतों के बावजूद तेरे बाबा को मैंने मना लिया है। उन्होंने तुझे माफ कर दिया है, उनका 60वां जन्मदिन है, तुझे आना है। घर चल, एक बार उनसे माफी मांग ले। मेरी खातिर। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। तुम्हारे मुंह से ये बात मैंने कम से कम 2000 बार सुनी होगी। ए, मुझे नहीं लगता अब तुम सुधर पाओगे, और ना ही कोई उम्मीद है कि कभी तुम सुधरोगे। मैंने सिर्फ तुम्हारी मां की वजह से तुम्हें फिर इस घर में आने दिया है। जो लोग सुधरना चाहते हैं मैं उन्हें ऑल द बेस्ट कहता हूं, लेकिन तुम्हारे मामले में मैं अपने आप को कहता हूं, मेरी यही इच्छा है कि एक ना एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह मेरी इच्छा पूरी होगी।
बाबा अगर हमारे लिए कुछ छोड़कर जाएंगे तो वो होगी लोगों की हमारे लिए इज्जत, और तुम भी जानते हो इस इज्जत को बचाने के लिए बाबा जान दांव पर लगा सकते हैं। हां, शायद तुम बाबा का नाम किसी ऊंचाई पर नहीं लेकर जा सकते, लेकिन कम से कम उसे मिट्टी में तो मत मिलाओ। सुन, ये मेरी जिंदगी है, इसे मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा। मैं जानता हूं कि बाबा मदारी हैं और तू उनका बंदर, लेकिन मेरे सिर पर मत नाच। तू बस अपने काम से काम रख। तो फिर आपका हैदराबाद में बिजनेस शुरू हुआ था, वो कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक तो है? आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों नहीं आना चाहिए था? किसने बुलाया आपको? दूर के रिश्तेदार ने। कोई मिनिस्टर यहाँ मेरी इजाजत के बिना नहीं आ सकता। मैं कोई अरा गहरा मिनिस्टर नहीं हूँ, घर का ही फंक्शन अटेंड करने के लिए बुलावा नहीं चाहिए। तो आपको पहले आना चाहिए था ना, इतनी देर क्यों कर दी तूने? 60वां जन्मदिन मुबारक हो। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा। कैसे हैं आप? अरे मैं तो एकदम ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी एग्जाम्स हो गए हैं, रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा हूँ। अगर वीजा की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहना, मैं सिफारिश कर दूंगा, काम हो जाएगा। सुनो, ये मेहनत से आगे बढ़ने वालों में से, सिफारिश पर नहीं, समझ गए पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? अरे इस बार तो इलेक्शन के बाद डिपॉजिट भी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? अगर नंदवरम प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो 30-40 गांव हटाने पड़ेंगे वहां से। वो प्रोजेक्ट तो मैं पहले ही रोक चुका हूँ। अरे इसीलिए तो पार्टी आपके पक्ष में थी। तो प्रॉब्लम क्या है? दरअसल एक ऐसा ग्रुप है जो इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरीके से शुरू करवाना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो सब करोड़पति बन जाएंगे। कौन सा ग्रुप है? पक्की तरह से तो नहीं जानता, पर अपोजिशन का कोई एक बड़ा आदमी है जो उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। अगर प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो फिर वोट हमारे हाथ से गए ही समझो। ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसी के आर्थिक फायदे के लिए बन रहा है। इसके पीछे चाहे जितनी ताकत और लोग लगा दें, भले कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन मेरे होते हुए ये कभी शुरू नहीं होगा। कैसी हो आप? नमस्ते। हाँ नमस्ते भाभी। ये क्या, आज भी राजनीति की बातें? कृष्णा ने आपके लिए प्रोग्राम रखा है, चलिए। गलत को खड़े रहकर देखना नहीं चाहिए, बल्कि हमें भी उसका हिस्सा बनना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। हमें भूषण से दूर रहना चाहिए। दादा का राज दुलारा, मेरा मतलब दादा के जिगर के टुकड़े को शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, भूषण को छोड़ दो, पर दादा को रोकने के प्लान का क्या हुआ? और हमारे बॉस वहाँ कहते रहते हैं कि राइट टाइम का इंतजार करो, हैं? अरे इसी तरह अगर इंतजार करते रहे तो हम लोग रास्ते में ना आ जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारी अगली चाल चलने के बजाय हम यहाँ बैठकर मक्खियाँ मार रहे हैं, और वो कहीं आराम से बैठकर मजे किया जा रहा है। मानता हूँ मजे भी करने चाहिए। तो फिर हम देर क्यों कर रहे हैं? टेंशन मत लो, बॉस ने कहा है कि यही सही वक्त है हमारे लिए इस मुसीबत से छुटकारा पाने का। पर एक बात याद रहे, दूर से बॉम्ब्स या गोलियों से काम खत्म नहीं करना है। शांति से उसे उठा कर ले आओ और छोटे छोटे टुकड़े करो उसके, और चील कौओं को डाल दो। समझ गया, गोलियों या बम से एक ही बार में काम तमाम हो जाता है। उसे तो जितना तड़पा तड़पा कर मारेंगे, लोगों के मन में हमारी पॉपुलैरिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी।
और ये है मेरी पब्लिसिटी पर थियरी। बाबा, हमारे परिवारों के बीच जो कुछ हुआ वो आप समझते हैं, पर शिरीषा की मां नहीं मान रही। उन्हें हमारी दुश्मनी से डर लगता है। अगर आप उनसे एक बार मिल लें तो शायद वो समझ जाएंगे। आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें घर लेकर आऊंगा। एक मिनट, तुम तो जानते ही हो कि कल हम रघु की बेटी की शादी में जाने वाले हैं। वहां हम शिरीषा की मां से मिलेंगे, क्योंकि वो भी उसी गांव की है। मां से आके मिलेंगे? हाँ। कृष्णा, मेरा भाई आया है, तुमसे बात करना चाहता है। तुम्हारा भाई? मेरे बारे में तो सुना ही होगा। तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा की जान ली और इसलिए ये लड़ाई शुरू हुई। फिर मैंने तुम्हारे बाबा के दुश्मनों से हाथ मिला लिया। यहां तक कि मैंने भी तुम्हारे बाबा को मारने की कोशिश की, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मेरे बाबा को आखिर क्यों मारा गया था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाबा गलत थे और तुम्हारे बाबा सही थे। जब इसने मुझे बताया कि ये तुमसे प्यार करती है, दुश्मन होने के बावजूद तुम्हारे बाबा इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार है, यह बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। इसलिए आज मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात कहने आया हूं। आज तक मैं तुम्हारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ था, इसलिए सिर्फ मुझे यह बात पता है। बात क्या है? रघु की बेटी की शादी में जाते वक्त दादा पर हमला करने का प्लान बनाया है। ओह माय गॉड, शादी तो आज ही है। कृष्णा को कब से फोन लगा रहा हूं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। देखो देखो वहां, देखो क्या है वहां। वो मुझे मारने के लिए आए हैं, अगर तुम मेरे साथ होगी तो तुम्हें भी मार डालेंगे। मैं निकलता हूँ। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए। लक्ष्मी, मेरी बात सुनो, तुम यहीं रुको। गजा, हाँ दादा, का ख्याल रखना। जी। Thank you.
तो गोली लग सकती है। पति के पास जाना। आप अंदर बैठिए। Oh!
अपनी पार्टी के एक सदस्य रघु की बेटी की शादी में शामिल होने जा रहे थे तो उन पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि इस हमले में उनकी बहू, पोते और पार्टी के कुछ लोगों की मौत हो गई है। दादा की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर से पता चला है कि दादा की हालत अब खतरे से बाहर है। दादा के चाहने वालों की भीड़ हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हुई है और वो लगातार दादा की सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं। अपनी जात पात सब कुछ भूल कर बस वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके दादा सही सलामत घर वापस आ जाए। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, जो जिंदा है वो और कितने दिन जिंदा बचेगा, ऐसा सोक्रेटिस ने मुझे सपने में कहा था। जो हो गया सो हो गया, अब रोकर क्या फायदा, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में साफ लिखा है। तो मैं दुखी भी न हूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, बीवी और बच्चे तो मेरे मरे हैं। तुम्हारे प्लान के मुताबिक सिर्फ मेरा बाप मरना चाहिए था। आजकल तो जिंदगी की भी गारंटी नहीं होती, तो फिर प्लान की कैसे होगी। हमें लगता है भविष्य में ऐसा होगा, पर हकीकत में जो होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं रिस्क नहीं लेता। जिंदगी में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ी रिस्क है मेरे दोस्त, ये मेरी पर्सनल थियरी है। भूषण, तू तो हमेशा कहता रहता था कि तुझे अपनी पत्नी से प्यार बिल्कुल नहीं है, फिर ये गुस्सा क्यों दिखा रहा है? भूषण, दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। दोबारा शादी करो, एक और बीवी मिल जाएगी। अगर तुम्हारी तकदीर में हुआ तो एक और बच्चा भी हो जाएगा। पर नंदवरम प्रोजेक्ट के प्रॉफिट्स एक बार हाथ से निकल गए तो फिर दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। परिवार चल बसा तो क्या हुआ, भविष्य दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। याद रखना, पैसों के ढेर पर सोने वाले कभी भी चिल्लर की फिक्र नहीं किया करते, ये मेरी कमर्शियल थियरी है। गीता में लिखा है, होनी को कोई नहीं डाल सकता, कोई अपनी किस्मत बदल नहीं सकता। लक्ष्मी, जो हुआ उसके लिए अपने आप को सजा देना बंद करो। हमें फिर से एकजुट होकर खुशी खुशी जीना सीखना होगा। लक्ष्मी, मैंने सोच लिया। क्या? जानती हूं खुशियां वापस कैसे आएंगी। ये जिसने भी किया है मैं उसे खत्म कर दूंगी। लक्ष्मी, मैं भी इसी गांव की बेटी हूं और आपकी पत्नी। कुछ भी हो जाए मैं बदला लेकर रहूंगी, उन्हें सजा मिलेगी और यही इस गांव का दस्तूर है। सही कहा भाभी आपने। अब कैसा है तो दोस्त, मैंने कहा था ना वो गैंग नंदवरम प्रोजेक्ट शुरू करवाना चाहती है। मुझे यकीन है कि हमला उन्हीं ने करवाया होगा। मैं ढूंढ निकालूंगा। बेटा फिक्र मत करो, हम उनका पता लगा लेंगे। जी सबको बाहर निकालो। हा? सबको यहाँ से बाहर निकालो अभी। चलो देखते हैं। तमीज से कह रहा हूँ, यहाँ से बाहर निकलो। जानते नहीं मैं एक मंत्री हूं? जानता हूं। हा? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ऐसे गंभीर माहौल में डॉक्टर्स और पेशेंट्स को इन गुंडों के हाथों में हथियार देखकर बेचैनी सी हो रही है, इसलिए मैं इन सबको बाहर जाने के लिए कह रहा हूं। अरे तुमको पता नहीं दादा के पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं, उन पर अभी अभी हमला हुआ है, ऐसे में तुम इन्हें यहां से कैसे हटा सकते हो? कानून कहता है कि पब्लिक प्लेसेस पर हथियार जैसी चीजें ले जाना एंटी सोशल होता है। कानून तो हजारों बातें कहता है, सब लोग उसे मानते हैं क्या? मैं कह रहा हूं ये लोग यहां से नहीं जाएंगे।
देखिए सर, पुलिस पब्लिक सर्वेंट होती है, आप जैसे पॉलिटिशियंस की नहीं। मेरे लिए कानून और संविधान मायने रखता है और मेरी ड्यूटी जो मैं कर रहा हूँ। क्या है आपकी ड्यूटी? आपने ड्यूटी की होती तो ये सब होता ही नहीं। ए, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मुझे बोलने के लिए आपकी इजाजत नहीं चाहिए। ये सब मेरे बाबा की पर्सनल सिक्योरिटी है, इन्हें बाहर फेंकने वाले आप कौन होते हैं? अगर तू अब चुप नहीं हुआ ना तो तेरी जुबान काट दूंगा। इंस्पेक्टर, यहाँ के हालात को समझिए, मैं विनती करती हूँ, आपकी माँ जैसी हूँ। क्या कहा? आप मेरी माँ जैसी हैं? लेकिन इस बारे में मेरे पिताजी ने कभी बताया नहीं। कृष्णा कौन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाता है? अरेस्ट हिम उसे, मैं मंत्री हूँ, मेरी बात चलेगी। मैं सारे टीवी चैनल्स पर ये खबर दे दूंगा कि एक मिनिस्टर ने एक पुलिस ऑफिसर को अपना काम नहीं करने दिया। ये फ्रैक्चर है या सिर्फ सूजन है भाई? वकूफ, अभी तक दुख रहा है क्या? उसने मारा इसलिए नहीं दुख रहा, तू दबा रहा इसलिए दुख रहा है। तुम पिट कर आ गए, अब ये इतिहास है। तुम बदला कैसे लोगे, इससे इतिहास बनेगा। जिसे अपने भविष्य की नहीं पड़ी है उसे क्या कहा जाता है तुम्हें पता है? मूर्ख इंसान, यानी कि इडियट। और ये मेरी ट्रेडिशनल थियरी है। मेरा हालचाल पूछने आए थे या जिंदगी पर प्रवचन देने? तुम चिंता मत करो गोगिन राव, तुम्हें तो जरा सी चोट आई है, पर इसी वजह से कृष्णा आज सलाखों के पीछे। बॉस ने तुम्हें खास फोन करके बधाई देने के लिए कहा है। बड़ी मछली हॉस्पिटल में है और छोटी मछली जेल में अटकी हुई है, काम तमाम करो दोनों का। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम सिरिशा है, मुझे कृष्णा से कुछ बात करनी है, प्लीज क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? कृष्णा, मेरे भैया ने मुझे बताया कि आज रात वो लोग हॉस्पिटल में तुम्हारे बाबा पर हमला करने वाले हैं। एसीपी गोगिन राव भी उनके साथ मिला हुआ है, इसीलिए उसने तुम्हें और सारी सिक्योरिटी को वहां से बाहर निकलवाया। मुझे ये नौकरी तुम्हारे बाबा की वजह से मिली है, तुम जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगा। हेलो सिरिशा, मेरे बाबा ठीक है, मैं यहीं रुककर उन पर नजर रखता हूँ, तुम इसी वक्त मीडिया और पुलिस को इस सब के बारे में इन्फॉर्म कर दो। ठीक है कृष्णा।
अच्छा सुनो, अपने लोगों को लेकर हॉस्पिटल आ जा। बिल्कुल मत घबराओ माँ, मीडिया और पुलिस यहाँ आ चुकी है, उनके रहते बाबा पर हमला नहीं होगा। मुझे अब जाना होगा। कृष्णा, बाबा अभी जाकर आनंद राव से मिलो, उसे जरूर पता होगा इस सब के पीछे कौन है। ठीक है बाबा। वॉच, तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कृष्णा कहाँ गया? नहीं सर, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो, उसे ढूंढने के लिए 4 से 5 टीम्स को काम पर लगा दो। ऐसे कहाँ जा सकता है, यही कहीं होगा। ढूंढो उसे जल्दी। मैं तुम्हारे बाबा की बहुत इज्जत करता हूँ, और तो और वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन लोगों की नजरों में तुम्हारे बाबा एक क्रिमिनल हैं और मैं एक पॉलिटिशियन, इसीलिए तुम्हारे बाबा ने मुझे ये जो सब कुछ चल रहा है उससे हमेशा मुझे दूर रखा, और यही वजह है कि मैंने मीडिया और पब्लिक के सामने कुछ नहीं कहा। एनीवे, मेरे सूत्रों के अनुसार कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन है कि सब के पीछे एक आरके नाम के आदमी का हाथ है। आरके, तुम जानते हो क्या उसे? नहीं, मैं नहीं जानता। अपने बाबा से पूछो, उन्हें पता होगा। मैं तुम्हें अपडेट करूंगा अगर मुझे कुछ भी पता चला तो। थैंक यू अंकल। आनंद राव अंकल ने क्या कहा? उन्हें जो पता था उन्होंने बता दिया, लेकिन इसके तह तक हमें खुद पहुंचना है। तुम्हारे भाई से बात करके देखते हैं, शायद उसे कुछ पता।
शीर्षा अपने भैया को फोन करो। हेलो भैया। हेलो, आनंद राव ने कहा कि सब के पीछे कोई आर के नाम का आदमी है। तुम किसी आर के को जानते हो? आर के? लेकिन मैं के आर नाम के एक आदमी को जानता हूँ। के आर? हाँ। क्या करता है वो? बिजनेसमैन है। मैं कभी उसे पर्सनली मिला नहीं, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल में उसकी काफी चलती है। सिर्फ हमारे स्टेट में नहीं बल्कि कर्नाटक में भी उसकी पहुंच काफी ऊपर तक है। मैंने सुना है वो 10 दिन यहाँ रहता है और महीने के 20 दिन बैंगलोर में गुजारता है। जिस दिन तेरे बाप ने तुझे उन भाड़े के टट्टुओं के सामने पीटा था ना, उसी दिन से तेरी औकात जीरो हो गई थी, जीरो। देख भूषण, जब तक तेरा बाप जिंदा है तू उसकी जगह नहीं ले सकता। वो तो मरने के बाद भी तुम्हें अपनी जगह नहीं देखना चाहता, इसीलिए उसने सबके सामने तुम्हारी इज्जत उड़ा दी। उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, यही सच है। इसे तेरी बदकिस्मती ही समझनी होगी। जो तू उसका बेटा है और तेरी खुशकिस्मती कि तुझे हमारे जैसे दोस्त मिले। हमारा निशाना 2 बार चूका है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बाप बच जाएगा। उसकी मौत तो निश्चित है। वो एक दिन में आ सकती है, 1 हफ्ते में या 1 महीने में, पर अगर तू ठान लेगा आज के आज आ सकती है। हिम्मत से काम ले और जिगरा रख। अभी हालात ऐसे हैं भूषण कि हम लोग हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकते। अगर तू हॉस्पिटल में अपने बाप का काम तमाम कर देता है तो उसी के साथ हमारी सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। तू हमारा आदमी है, अगर तूने इस प्रोजेक्ट में हमारी मदद की तो हम सब के सब मालामाल हो जाएंगे और अपने बाप की जगह तू ले लेगा। करोड़पति बनने का मौका बार बार नहीं मिलता भाई। क्या हुआ, इतना क्या सोच रहा है? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि मौन का मतलब है स्वीकार, और मेरे जैसा महान आदमी कहता है कि जो सही है उसके बारे में क्या सोचना। किस्मत वाले हो जो तुम्हें अपने बाप का अंतिम संस्कार करने का मौका मिलेगा, और ये मेरी आखिरी थियरी है। हेलो, आते वक्त मार्केट से थोड़े संतरे ले आना। कहाँ था अब तक? जरूरी काम से बाहर गया था। कुछ दिन अकेले बाहर मत निकलना, हमारे दुश्मन हम पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, और अगर है भी तो सिर्फ इनकी वजह से। जो भी हो, दुश्मन दुश्मन होता है, तुम्हें सावधान रहना होगा। बेटा मेरी बात मान लो, कहीं भी बाहर जाना हो तो रघु को अपने साथ में लेकर जाना। रघु? उसकी बेटी की शादी में जा रहे थे तभी यह हुआ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। रुक, जाने दो उसे लक्ष्मी, हम सिर्फ उन्हें जन्म दे सकते हैं, उनके विचार नहीं बदल सकते। पेशेंट को स्कैन के लिए लेकर जाना है। We'll be right back.
के आर वही इसके पीछे। और कौन मिला हुआ है? मैं उसके साथियों का पता लगा लूंगा। कैसे ढूंढोगे? वो मुझ पर छोड़िए, एक एक को ढूंढ निकालूंगा। किसी को भी मत छोड़ना, किसी और पे भी मुझे शक है। कौन है वो? बाबा, फिलहाल आपकी हालत थोड़ी नाजुक है, हमें गुस्से में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने सिर्फ आपकी बीवी को नहीं मारा, मेरी मां को मारा है। उन्होंने सिर्फ यहां के राजा को धोखा नहीं दिया है, मेरे बाबा को भी दिया है। इन दो कारणों की वजह से अगर किसी को बदला लेने का सबसे ज्यादा हक है तो वो इंसान मैं हूं। जाओ मेरे शेर। कृष्णा, अपना ख्याल रखना बेटा, जाओ। रघु। हाँ दादा। लक्ष्मी के तेरवे की तैयारी करो और शहर के सारे बड़े लोगों को बुलाओ। नगर सेवक, MLA, MP, मुख्यमंत्री, इन सारे पॉलिटिशियंस को जरूर बुलाओ और अपने सारे रिश्तेदारों को भी बुलाओ। कोई छूटना नहीं चाहिए। तुझे केक इसलिए नहीं खिला रहा हूं कि तुझे केक खाना बहुत पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि तेरी जान लेने के लिए तुझे छूने से भी मुझे घिन आ रही है। तू तड़प तड़प कर मरे, इसीलिए हमने केक में जहर मिलाया। मेरा यकीन मानो कृष्णा, मैंने उन्हें कहा था कि ऐसा मत करो। मैंने बताया कि तुम्हारे बाबा कितने अच्छे आदमी हैं, पर केयर मेरी बात नहीं मान रहा था। यकीन करो, नहीं 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 कृष्णा। तूने उसे मारने की कोशिश की जिसे लोग अपनी हर सांस के साथ याद करते हैं, इसलिए मैं तुझसे तेरी सांसें छीन रहा हूं। कृष्णा, मैंने तुम्हारे बाबा का कभी बुरा नहीं चाहा, इस बार भी जो कुछ हुआ उसमें मेरा हाथ बिल्कुल नहीं था। अरे मेरी थियरी तो सुन लो तुम प्लीज। तुमने गॉडफादर फिल्म देखी है या नहीं? मालिन ब्रांडो उसमें कहता है कि बदला ही सब कुछ नहीं होता, और मेरा भी ऐसा ही सोचना है, पर तुम तो बदला ले रहे हो यार। अगर तुम और तुम्हारे बाबा को नंदवर्म प्रोजेक्ट नहीं पसंद है तो हम वही काम करेंगे जो तुम दोनों को पसंद हो। हम तुम्हारे घर में झाड़ू मारेंगे, तुम्हारे जूते पॉलिश करेंगे। तुम हथौड़े से मारो या फिर चाकू से मारो, मेरी आत्मा भक्तपरी शरीर छोड़ेगी। तुम कुछ नहीं बदल सकते, और ये मेरी क्रिमिनल थियरी। अगर तू सारे वेद पुराण जानता है तो ये कैसे भूल गया कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है? तेरी थियरी तेरी तरह कमजोर है। शेषगिरी चंडी वेदम गोगिन,
ये सब क्या हो रहा है? बाबा, मैंने तेरे बाप को इसलिए नहीं मारा क्योंकि तूने मेरी मां को मरवाया था, पर इसलिए क्योंकि उसने तुझ जैसे कमीने को पैदा किया, तेरे अंदर के पाप को बढ़ावा दिया, क्योंकि उसने मेरे बाबा पर हमला करवाया, मेरे परिवार को परेशान किया, उन्हें दुख पहुंचाया। ऐसे और भी कई हजारों करोड़ों कारण हैं। जिस दिन से मेरी आंखें खुली हैं, मैंने अपने बाबा में एक बहुत ही महान राजा देखा है, लेकिन अब मैंने गुंडों को उन पर हमला करते हुए देखा है। हॉस्पिटल में उनके शरीर पर चाकू के निशान देखे, उन्हें खून दिया जा रहा था, इतने कमजोर थे कि अपनी बीवी की जान नहीं बचा पाए, और इस सब की वजह है वो नंदवरम प्रोजेक्ट। वो इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहते थे अपने निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो कांटा बन चुके थे जिन्हें रास्ते से हटाना था। उस दिन जब हम सब शादी में जा रहे थे, तब हम कितने लोग थे, कब निकलेंगे, जाने का रास्ता क्या होगा, ये घर के किसी सदस्य ने उन्हें बता दिया। खुशकिस्मती से उस हमले से तो बाबा बच गए थे, लेकिन हॉस्पिटल में उन पर दोबारा हमला किया गया। मुझे पूरा यकीन है उस हमले के पीछे घर के ही किसी का हाथ था। हॉस्पिटल से 12 घंटों की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद मुझे पता चल गया कि उस दिन बाहर से सिर्फ तुम फल लेकर आए थे। मुझे इस बात का गुस्सा नहीं है कि तूने उस मां को मारा जो आखिरी सांस तक तुझसे प्यार करती रही, लेकिन बचपन से तुझे जानते हुए भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तू इस हद तक गिर जाएगा। देखो, और इसीलिए मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। मेरी नजर में तू बस एक गद्दार है, और किसी गद्दार का बस एक ही हश्र होना चाहिए। मैं दिल्ली में था जब मैंने बुरी खबर सुनी, विश्वास ही नहीं हुआ मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने जीते जी मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे। भगवान ने भाभी जी को तुमसे दूर करके बिल्कुल सही नहीं किया। इसके पीछे जो भी है, मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। पकड़ लिया है। कौन है वो इस सब के पीछे? जो कोई भी इसके पीछे थे, कृष्णा उन्हें खत्म कर चुका है, सिवाय उस मास्टरमाइंड के। कौन है वो मास्टरमाइंड? तू है। ये तुम्हारा बेटा क्या बोल रहा है? तुम्हारे बाबा और मैं तो, जब मैं तेरे घर से निकला तो मुझ पर हमला हुआ था। हाँ तो? तेरे सिवाय ये कोई नहीं जानता था कि मैं वहां तुझसे मिलने आया हूं, और यही वजह थी कि मुझे तुझ पर शक हुआ। नंदवरम प्रोजेक्ट में चंडी और केआर का हिस्सा 25-25% था।
और बाकी का हिस्सा तेरे लीगल बिजनेस के नाम पर था। मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई थी कि आने वाले इलेक्शन में तू अपोजिशन पार्टी में शामिल होने वाला है। मेरे बाबा कभी उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने नहीं देते क्योंकि वो हमेशा लोगों का भला सोचते हैं। बाबा का दोस्त होने का नाटक करके तूने उन्हें यकीन दिलाया कि तू भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है और तूने केआर और चंडी की मदद से बाबा की पीठ में खंजर खोंपा और वो खंजर मेरा अपना भाई था। क्यों बे? मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया और तूने मेरा एहसान इस तरह चुकाया? मेरे बेटे की इच्छा थी कि इसमें जो भी शामिल हो उसे वह खुद अपने हाथों से मारेगा, पर मैंने उसे कहा कि इस आखिरी गुनहगार को सजा मैं दूंगा। मैंने तुझसे दोस्ती की लेकिन तूने मुझे धोखा दिया। तुझे तो इससे भी बदतर मौत मिलनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ अगले जन्म में तुझे अच्छी बुद्धि मिले। नए जन्म के लिए तुझे शुभकामनाएं दोस्त। बाबा, आपको माँ के श्राद्ध पर ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। एक काम करो। हाँ भाई। इसकी कब्र इतनी गहरी खोदो कि सीधे पाताल पहुंच जाए। ठीक है भाई। इसके सारे बॉडीगार्ड्स को उस कमरे में इकट्ठा कर दो। किसी भी बॉडीगार्ड का फर्ज होता है कि जो जिंदा है वो उसकी रक्षा करे। जो मरा है उसके लिए जान देकर कोई फायदा नहीं। ना तुम आनंद राव के बेटे हो ना उसके भाई, सिर्फ बॉडीगार्ड हो जो तनख्वाह लेकर काम करते थे। वो जितना देता था मैं उससे दुगना दूंगा। मेरे लिए काम करो।